चरख ले आली तेरा चरखा बोल है ओम नाम तू भजले तू ही चरख ले आली तेरा चरखा बोल ओम नाम तू भजले चरख ले आली तेरा चरखा बोल ओम नाम तू भजले चरखा तेरा रंग रंगीला पीटा लाल गुलाब चरखा तेरा रंग पीटा लाल गुलाब चरखा तेरा रंग रंगीला पीटा लाल गुलाब और कातन आली श्याम सुंदरी कातन आली श्याम सुंदरी मुड़ तुड़ गल तारे चरख ले जैसा विद्वानों ने दर्शाया है चरखा तेरा रंग रंगीला बल्या पीढ़ा लाल गुलाल कत्तन आली श्याम सुंदरी बल्या मुड़ तुड़ गल तार निवला रे ओ छोरा मगा जी निवला कद शिष्या के खड़िया हुई है मां फिर सारा ही वजन शरीर पे है निवला शिष्या का खड़ा होकर इस जीभ ने पलटा दे इसने उल्टी कर दे ठा के देख माँ जी ठीक निवला इसके नीचे नस दिखेंगी माँ जी ठीक ना तो बोला वे काली ना वे लीली उनका रंग है श्याम जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि निवला उनका रंग है सांवला वहां से बात ठा दी पहली गली में क्या लिखा शरीर है तेरा रंग रंगीला रे अंतकरण है लाल शरीर है तेरा रंग रंगीला अंतकरण है लाल कातन आली जीव सुंदरी कातन आली जीव सुंदरी चले आली रे छोरी रे चले रे आली वो तेरा सरखा बोले नहीं आप खुद भजले तू चरख ले ओ तेरा चरखा बोल नहीं आप खुद भजले सास कवारी अरे सास कवारी सास कवारी बहु पेट में ननंद पंजीरी खा सास कवारी सास कवारी बहु पेट ननंद पंजीरी खा अरे देखने आली के छोरा हो गया देखने आली के छोरा हो गया पांच खिलावन जा चरख ले सास कवारी बहु पेट में और नणंद पंजीरी खा और देखने वाली का छोरा हो गया और न बांझ खिलावन जा कौन है वो सास कौन है वो नणंद दूसरे नंबर पे त्रिसना सासु आस पेट मैं निंदा नणंद कुआ त्रिसना सासु आस पेट मैं निंदा नणंद कुआ
ना साधू आसते कबे निंदानन को आए समता दृष्टि ज्ञान का छोरा दृष्टि ज्ञान का छोरा समता दृष्टि ज्ञान का छोरा समता दृष्टि ज्ञान का छोरा अरे बुद्धि पांच खेला सरखले हारी हो तेरा सरखा बोल नहीं आप तू बदले हो तेरा सरखा बोल नहीं आप खुद बदले टिले हलिया चल बैल गऊ के पेट और हाली झूले पालने हाली झूले पालने और रोटी चाली खेत रखने हाली बदले ऊंच टिल्ला चल बैल गऊ का पेट भाई आली झूले पालन रोटी जाली खेत ये संत मूर्तियों के सत्संग में जो सुनने को मिलता है जैसा अर्जित होता है ये नुकन है भाई यो है दसवां दरवाजा नौ दरवाजे जिनसे आदमी परिचित है एक दसवां दरवाजा जो केवल भजन के मार्ग से उसका परिचय हो सकता है अदरवाइज नहीं होता है अन्य बोले भाई सास व पहली कलीम था जैसे तृष्णा सासू आस पेट में बोला निंदा नंद को आए समता दृष्टि ज्ञान का छोरा बुद्धि बांझ खिलाए निवले भाई अरिश्मा आ गया ऊंच टिल्ला हड़िया चल बैल गऊ का पेट आली झूल पालना रोटी जाली खेत बोला ये तो है दसवां दरवाजा और इंगला बंगला बीच में एक नाड़ी और है जिसको सुषमना कहते हैं जो योगी की खुलती है योगी की चेतन होती है अदरवाइज नहीं होती है और कुंडलनी ना भी गया आसपास कुंडलनी का जिक्र इस भजन के तहत किया है जिसका रोटी का आकार है जिसके साढ़े तीन चक्कर हैं योगी अपने योग से उसको शुद्धि कर ले है गृहस्थी की नहीं होती है क्या जिक्र किया है क्या लिखा है दसमा द्वारा ऊंचा टिल्ला रे इंद्री अहंकार दसमा द्वारा ऊंचा टिल्ला इंद्री अहंकार सुषमन नारी योगी झूले सुषमन नारी योगी झूले अरे कुंडलनी हुई प्यार सरखले आरी हो तेरा सरखा बोल नहीं आप खुद बदले ओ तेरा सरखा बोल नहीं आप खुद बदले बेटी बोली हाँ बेटी बोली बाप से मेरा अण जाया वर लिया बेटी बोली बाप से मेरा अण जाया वर लिया बेटी बोली बाप से मेरा अण जाया वर लिया बेटी बोली बाप से मेरा अण जाया वर लिया अण जाया वर नहीं मिलते तेरा मेरा प्याच रख ले आई वो तेरा सरखा बोल नाम तू बदले तू वो तेरा सरखा बोल नाम तू बदले तू बेटी बोली बाप से
बेटी बोली बाप से अणजाया पर लिया, अणजाया पर नहीं मिले तो फिर मेरा है तेरा ब्याह। शरीर में मन का स्थान बताया है, सारे संसार के काम इंद्रियों के माध्यम से ये मन करता है। संसार को जीतता है मन, और आत्मा का छोटा रूप सूरत निकुवा यहां जिसका स्थान है शरीर के अंदर के काम करो सो सारे वाह। न्यूकह कितना भी थका हो जब सो जाता है तो ये सूरत अंदर का ट्रीटमेंट करती है जिससे उठता है जब फ्रेश उठता है, और सारे संसार को भोगता है मन। ये सुरति को बेटी बनाकर इस मन को बाप बनाकर यो मन ही देखो न्यू नि मन न मार दियो रे, यो बड़ा कसाई है रे, यो बड़ा दुष्ट है सब ने लिखा है, पर एक जगह न्यू भी है न्यू बोला भगवान से मिला होगा तो ये मन ही मिला होगा भाई, और कोई रास्ता कोई मार्ग नहीं, कोई भी मार्ग नहीं है। न्यू कहे सुरत रोज मन आगे मेरा बाप अणजाया वर, मतलब उस परमात्मा से मेरा संबंध बन दे, इस आत्मा को परमात्मा में मिलन दे, तू कर्म भोग मेरे मत करवावे। और जब तू नहीं मानना तो जब तू मानेगा किसी का धमकाए तो मानना है, किसी का समझाए तो मानना है, किसी का फूफा को आगे मानना है, किसी का बाप को आगे मानना है, जैसे मानने यो मन ईश्वर के रंग में रंगना ही पड़ेगा। बेटी बोली बाप से मेरा अणजा मेरा उस परमात्मा से संबंध बन दे, और नहीं बन दू तो फिर मेरा ये तेरा संबंध जारी रहेगा, मैंने बार बार खोड़ धरनी ही पड़ेगी। बोल सतगुरुदेव भगवान की। सुरती कहन लगी मन से मेरा अणजाया भर लिया, सुरती कहन लगी मन से मेरा अणजाया भर लिया, अणजाया वर एक वो ईश्वर, अणजाया वर एक वो ईश्वर, सुरती मन का मार कदे आवी ओ तेरा तरखा बोल नहीं आप खुद मत दे श्री लक्ष्मी चंदन ओ लक्ष्मी चंदन गुरु मान सिंह संत मिला अलबेला, लक्ष्मी चंदन गुरु मान सिंह संत मिला अलबेला, गुरु मान सिंह संत मिला अलबेला, जो मेरे भजन का अर्थ खोल दे, भजन का अर्थ खोल दे, सही गुरु का चेला चरख ले, नगर भिवानी के पूरब में उमरावत है गाम, नगर भिवानी के पूरब में उमरावत गाम, संशय होते आन भेटियो बुला पसंद मेरा, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो।